तो यार पोकेमोन एनिमे ना किसी समुद्र में चलते हुए जहाज से कम नहीं है, ठीक है। उसमें काफी सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स आते रहते हैं। एंड जब पोकेमोन को फाइनली रिलीज किया जा रहा था भाई अपने नॉर्मल टेलीविजन शोज या फिर मांगा या फिर जिस भी वे में तुम उसको देखते हो, जिस वे में उसको रिलीज किया जा रहा था, उससे पहले उसमें काफी सारे चेंजेस किए गए थे। जी हाँ, गैराडोस पहले ऐसा दिखता था, क्या तुम्हें पता है? एंड इसके बारे में तुम्हें इस वीडियो में और भी बताऊंगा, इवन और भी ऐसे कुछ पोकेमोन्स बताऊंगा जो कि पहले कुछ और ही दिखते थे एंड अब कुछ और दिखते हैं। लिटरली अनएक्सपेक्टेड लुक्स तुम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हो मेरे से, जो कि मैं तुम्हें आज की इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। तो भाई बस तुम लोग रेडी हो ना, रेडी हो तो भाई वीडियो को लाइक दो और बिना किसी तरीके आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 10, साइथर। ये रहा भाई साइथर तुम्हारे स्क्रीन पे। अगर तुम किड हो भाई लेट 90s के मेरे तरह, तो देखो यार चांसेस है कि तुम इससे भाई प्यार में पड़े होगे, ठीक है। साइथर यार ऑलमोस्ट मतलब क्या ही बोलूँ, काफी तक कूल डिजाइन लेके आया था, एज वेल एज काफी इसका बेस्ट डिजाइन था बोथ ड्रैगन एंड इंसेक्ट, जैसे कि तुम लोग देख सकते हो। ये एक्चुअली में एक ड्रैगन टाइपिंग इसको देने जाने वाली थी। इट्स बेटर डिजाइन जो कि तुम लोग देख सकते हो भाई, ये थोड़ा और ज्यादा इंटिमिडेटिंग वॉरियर वाला चांस तुम्हें देखने मिल रहा है, जबकि अगर तुम नॉर्मल साइथर को देखोगे तो वो प्योर एक बक टाइप देखने मिलेगा, उतना कुछ तुम्हें मजा नहीं आएगा देखने में। बट भाई मुझे ऐसा लगता है कि जो तुम ये वाले साइथर को देख रहे हो, ये मे बी आगे चल के एक ड्रैगन टाइप इवोल्यूशन हो सकता था। नंबर 9, एपॉम। जी हाँ गाइस, एपॉम एक्चुअली में पर्पल मंकी नहीं होने वाला था, ये कुछ अलग सा ही होने वाला था। ये बिल्ली और मंकी का एक गंदा सा मिक्स जो कि तुम लोग अपने स्क्रीन पे देख सकते हो भाई, ऐसा कुछ होने वाला था। इसकी काफ़ी छोटी बॉडी होती, मतलब ये मतलब स्मॉल पोकेमोन्स में आता, बट बाद में चल के इसके डिज़ाइन को वापस से ऑल्टर किया गया था। जैसे कि तुम लोग देख सकते हो भाई, इसके हैंड को जो कि एक्चुअली में टेल है, बिल्कुल सेम जैसे कि अभी करंट का एपॉम है, बट इसके कलर्स में काफ़ी ज़्यादा अंतर है। एज वेल एज तुम अगर इसके अर्लियर वर्जन को देख रहे हो, तो यार तुम लोग देख सकते हो ये काफ़ी ज़्यादा तुम्हें एक बिल्ली का लुक तुम्हें लगेगा बंदर से ज़्यादा, शायद से इसी कारण उन लोगों ने बाद में चल के एपॉम को जो कि एप्स पे शायद से बेस्ड करके बनाया गया था, उसको ऑल्टर किया गया एंड कैट वाले लुक को थोड़ा हटा के मंकी वाला लुक दिया गया। ये एक्चुअली में पहले ब्लैक कलर का होने वाला था, जो कि अब यार पर्पल कलर का कर दिया गया है। खैर, नंबर 8, शकल। क्या तुम्हें पता है भाई, शकल को लिटरली वो लोग एक मटके में बनाने वाले थे, बिल्कुल ऐसे ही जैसे कि तुमने देखा होगा भाई, अगर कोई सांप टेमर, क्या बोलते हैं उनको, स्नेक टेमर या स्नेक चामर जो भी होता है, तो यार जैसे वो सांप को कंट्रोल करते भाई एक पोटली में रख के, वैसे ही कुछ तुम्हें भाई शक्ल देखने मिलने वाला था, ठीक है, जिसमें ड्रास्टिकली चेंजेस किए गए। लाइक तुम लोग देख सकते भाई, आज के शक्ल थोड़ा एक स्नेल जैसा लगता है, बट एक्चुअली में पहले एक स्नेक जैसा होने वाला था एक मटके के अंदर, जो कि तुम अपने स्क्रीन पर डिज़ाइन देख सकते हो। इसका कलर ऑलमोस्ट सेम ही होने वाला था, बट शायद से इस पर थोड़े बहुत ट्विक्स करके, हल्के फुल्के चेंजेस करके इसको चेंज कर दिया गया। मेरे अकॉर्डिंग भाई काफ़ी अच्छा डिसीजन था, क्योंकि भाई ये बहुत गंदा सा वियर्ड सा टर्टल लग रहा है, जो कि देखने में मज़ा भी नहीं आ रहा। बट इन द एंड फैंस को चाहिए था भाई ये बग एंड रॉक टाइप का ड्वेल टाइप हो। जो नंबर 7, मैरल। जी हाँ गाइस, पहले मैरल एक पिंक कलर का क्यूट सा पोकेमोन होने वाला था, जैसे कि तुम लोग देख सकते हो। पोकेमोन गोल्ड एंड सिल्वर जब रिलीज किया गया, उससे पहले भाई मैरल को ऐसा डिजाइन देने वाले थे वो लोग, बिल्कुल एक पिंक कलर का एक गुब्बारा, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक जिगली पफ होता है, विगली टफ होता है। काफी लोग तो ऐसे रूमर्स फैला रहे थे कि भाई ये पीका ब्लू है, ये पीका चू की तरह ही एक नया इवोल्यूशन है पीका ब्लू, लेकिन बाद में चल के उन्होंने चेंज कर दिया गया इसको। काफी लोग ये भी मान रहे थे कि एक वाटर टाइप पीकाचू का क्लोन आने वाला है, जो कि बाद में चल के भाई ये सही भी रहा, लेकिन इसके कलर्स को काफी ज्यादा ऑल्टर किया गया। इसके कितने फनी फनी नेम बन रहे थे ना, पीका ब्लू, पीका पिंक, भाई बहुत सारी चीजें बनी है, लेकिन लिटरली यार ये पूरा मीम मटेरियल है, टाइनी पिंक बबल जैसा कुछ गंदा सा। नंबर 6, नॉकटावल। नॉकटावल यार नॉर्मल एंड फ्लाइंग टाइप का पोकेमोन था जोटो रीजन का, एंड इट्स कंसीडर्ड टू बी द प्राइमरी एग्जांपल ऑफ वेस्टेड पोटेंशियल, जिसको यार एश कैचम ने काफी बर्बाद कर दिया। बट एक्चुअली में नॉकटावल काफी ज्यादा प्यारा पोकेमोन होने वाला था, बट रियलिटी में ये एक्चुअली में नॉर्मल एंड डार्क टाइप का पोकेमोन होने वाला था, जो कि इसमें थोड़ा बहुत फिट भी करता है, क्योंकि तुम्हें पता होगा नॉकटावल जो कि आउल पे बेस्ड है, वो डार्क में एक्सप्लोर करता है, तो शायद से इसी कारण उसको एक डार्क टाइपिंग मिलने वाली थी, जो कि तुम लोग अपने स्क्रीन पर डिजाइन देख भी सकते हो। बट बाद में चल के उन्होंने इसका डिजाइन चेंज कर दिया, एंड जब फाइनली पोकेमोन गोल्ड एंड सिल्वर को लॉन्च किया गया, तो नॉकटावल को डिजाइन को वापस से चेंज करके वैसा कर दिया गया जैसा कि हम लोग देख सकते हैं। वैसे मेरी बात मानो, ये मुझे ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है, पता नहीं क्यों, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि ज्यादा ट्रेनर्स को ज्यादा ही मस्त वाला लुक देता, एंड ये थोड़ा बहुत एक फनी सा वे भी होता भाई पोकेमोन को एक्सप्रेस करने का। नंबर 5, पीचू। बिल्कुल यार ऐसे ही कुछ, हाँ
पीचू यानी कि पीकाचू का प्री इवोल्यूशन ऐसे ही देखने वाला था भाई, एक पीला गुब्बारा। लेकिन बाद में चल के इन्होंने थोड़े बहुत चेंजेस किए एंड इसके फाइनली इलेक्ट्रिफाइड माउस के छोटे से बच्चे यानी पीचू को पीकाचू जैसा डिज़ाइन दे दिया। बट मेरी बात मानो, ये मुझे पता नहीं कि ज़्यादा क्यूट लग रहा है एक नॉर्मल पीचू के कंपैरिजन में, एंड आई गेस कि तुम लोग को भी उतना ही मस्त लगेगा। हाँ, बट ये भी है कि पीचू का डिज़ाइन थोड़ा बहुत पीकाचू जैसा है, जिसका लुक हम लोग को पसंद है, इसलिए भाई करंट पीचू भी हमें अच्छा लगता है। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर ये पीचू के रूप में आता तो शायद से फैंस को इक्वली उतना ही पसंद आता, जिसके तुम देख सकते हो भाई इसके पास बिल्कुल पीकाचू की फेस कॉपी, डिटो पीकाचू जैसा ही दिख रहा है। तुम्हें चेंजेस ऑब्जर्व करने मिलेगा इसके टेल में, जो कि भाई एक नॉर्मल सा टेल है, वो इलेक्ट्रीफाइंग लुक नहीं है जो कि भाई पीकाचू और राइचू का एक मेन हिस्सा है। नंबर 4, ऑक्टिलरी। ऑक्टिलरी भाई ऐसे ही कुछ उबला हुआ अंडा दिखने वाला था। जी हाँ, ऑक्टिलरी एक वाटर टाइप पोकेमॉन है जो कि पोकेमॉन गोल्ड एंड सिल्वर में इंट्रोड्यूस करवाया गया था। ये नेटिव है जोटो रीजन का और ये फाइनल फॉर्म है रेमोरेट का। यार बिल्कुल डिफरेंट दिखता है अपने बेटा डिज़ाइन में, जैसे कि तुम लोग देख सकते हो, ऐसा बिल्कुल दिखाया जा रहा है कि भाई ये कोई रेड ऑक्टोपस है सम सॉर्ट ऑफ, और इसका फाइनल डिज़ाइन भाई काफ़ी ज़्यादा अजीब है नॉर्मल से। यार तुम लोग इसके बेटा डिज़ाइन में एक और चीज़ देख सकते हो, ये बहुत रिजेंबल करता है एक शोल्डर को, जिसके शरीर पर एक टैंक है बिल्कुल ऑक्टिलरी उसमें फिट हो रखा है, एंड उसके पास एक वाइट हेलमेट है और एक बॉडी आर्मर है। जैसे कि तुम देख सकते हो भाई, आर्मर में थोड़े बहुत टेंटिकल्स भी निकले हैं, जो कि यार थोड़े बहुत टैंक थ्रेड्स को भी रिजेंबल करते हैं। तो शायद से यार बाद में पता नहीं उनकी क्या चढ़ी, उन्होंने भाई इसके डिज़ाइन को ये चेंज कर दिया। बट यार टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये डिज़ाइन मुझे काफ़ी हद तक अच्छा लगा भाई नॉर्मल ऑक्टिलरी के कंपैरिजन में। नंबर 3, सिज़ोर। मैंने अभी तुम्हें रिसेंटली भाई साइथर के बारे में बताया, जो कि बर्ग एंड ड्रैगन टाइप का होने वाला था, एंड ये रहा भाई सिज़ोर, उसका फाइनल इवोल्यूशन। देखो यार, पोकेमॉन एक ऐसी फ्रेंचाइजर है जिस पर रिकॉर्ड किया गया भाई सबसे ज़्यादा इंट्रोड्यूसिंग इवोल्यूशंस का, जो कि शायद से किसी और पोकेमॉन में होते भी नहीं या फिर कोई और शोज में। बट यार जैसे कि तुम लोग देख सकते हो भाई, इस इवोल्यूशन के अंदर ऐसा लग रहा है कि भाई साइथर सम सॉर्ट ऑफ आर्मर में खुद को कवर कर लिया है। और यार जो तुम अभी करेंट में इसका रेड कलर ऑब्जर्व कर सकते हो सिज़ोर का, ओरिजिनली इसका कलर ग्रीन होने वाला था। हाउएवर यार तुम इसके बेटर डिज़ाइन में एक और चीज़ देख सकते हो कि ये बहुत अपग्रेडेड साइथर वाला लुक लग रहा है, शाइनी न्यू फॉर्म तुम लोग कह सकते हो, जो कि यार थोड़ा बहुत सिज़ोर का लुक दे रहा है, बट यार कम्प्लीटली अभी जो करंट साइथर है ना वैसा ही लग रहा है। तो शायद से यार जब अपने पुराने साइथर बेटर डिज़ाइन को जब वापस से ऑल्टर किया गया हो, तो सिज़ोर का ओरिजिनल डिज़ाइन पुराना वाला साइथर को दे दिया गया हो और सिज़ोर के लिए एक नया डिज़ाइन बना दिया गया हो। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। नंबर 2, हिटमॉनटॉप। भाई ये है भाई खतरनाक पोकेमॉन, भाई पेयर ऑफ फाइटिंग टाइप पोकेमॉन में से एक हिस्सा है। हिटमॉनचैन, हिटमॉनली को तो तुम लोग जानते ही होगे ना, उसी ट्रियो का एक हिस्सा है भाई हिटमॉनटॉप। एंड एज यू कैन सी कि भाई ये इवोल्यूशन बहुत ही ज़्यादा भत्ता लग रहा है। आई डोंट नो वाई यार, अभी का हिटमॉनटॉप मुझे कंपैरेटिवली ज़्यादा अच्छा लगता है। बट यार अगर तुम लोग इसके थर्ड फाइनल फॉर्म को देखो अलॉन्ग साइड हिटमॉनटॉप, तो ये काफ़ी हद तक रिजेंबल करता है एक ब्रेक डांसर को इस बेटा डिज़ाइन के अंदर। तुम लोग देख सकते हो यार, इसका डिज़ाइन काफ़ी हद तक एक ब्रेक डांसर का ही लुक दे रहा है। इवन इसके बेटा वर्जन में तुम लोग देख सकते हो भाई, हिटमॉनटॉप काफ़ी हद तक इंस्पायर्ड है योगा और मेडिटेशन जैसी चीज़ के। एक ऐसा क्रिएचर जो कि भाई योगा एंड मेडिटेशन कर रहा है, वैसे ही कुछ लग रहा है भाई ये देखने में तो। नंबर 1, गैरेडोस। आर बिलवर्ड पोकेमॉन गैरेडोस एक्चुअली में ऐसा कीड़ा दिखने वाला था बस भाई इसके लिए तो लाइक करना पड़ेगा यार। तुम लोग देख सकते हो भाई, हमारा फेवरेट गैरेडोस बच गया यार, पता नहीं क्या कीड़ा बना दिया था इन लोगों ने, वॉर्म जैसा कुछ गंदा सा। देखो यार, गैरेडोस अभी काफ़ी ज़्यादा बैडस लगता है एंड मोस्ट टेरिफाइंग पोकेमॉन में से एक का हिस्सा है। बट यार तुम अज्यूम कर सकते हो कि अगर उसका डिज़ाइन ऐसा कुछ होता ना, तो शायद से भाई तुम मैं छोड़ो एक पैदा हुआ बच्चा भी नहीं डरता उससे। यार ये काफ़ी हद तक मुझे एक अलास्कन बुल की याद दिलाता है, जो कि भाई तुम लोगों ने स्पोंगबोंग स्क्वायर पैंट देखा होगा तो उसमें याद होगा तुम्हें। आइदर वे जो भी बोलो, मैजिकअप या जितना बेकार पोकेमॉन है, इवन उसका इवोल्यूशन और ज़्यादा भत्ता होता भाई, किसी बुरे सपने से कम नहीं होता अगर उसका इवोल्यूशन ऐसा दिखता तो। लाइक मैजिकअप पकड़ने का एक ही चीज़ होता है भाई, गैरेडोस मिलेगा, एंड वो भी नहीं होता अगर ऐसा कोई इवोल्यूशन हम लोग को देखने मिलता तो। तो खैर गाइस, यही कुछ 10 ऐसे पोकेमॉन इवोल्यूशन थे जो कि भाई एक्चुअली में पहले कुछ और दिखने वाले थे, बट उनको चेंज कर दिया गया। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर पसंद आया तो भाई वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो ऐसी कुछ पोकेमॉन वीडियोस के लिए। तो या सी यू नेक्स्ट टाइम, अंटिल देन पीस आउट।